हाँ तो दोस्तों, मैं आपके लिए फिर से एक जानदार क्राइम के ऊपर एक बहुत बढ़िया पहेली लिखी आ चुका हूँ। तो मुझे उम्मीद है ये पहेली भी आपको बहुत ज़बरदस्त लगने वाली होगी। तो पहेली को चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहेली ऐसे है, पिक्चर को देखते हुए चले। पहेली ऐसे है कि मेहुल अपनी छत पर हवा का आनंद ले रहा था। सीरी थॉमस अपने लॉज में एक पार्टी कर रहे थे। सीरी थॉमस वहाँ एक व्यक्ति हैं जो कि वो अपने ही लॉज में पार्टी कर रहे थे। वो बहुत जोर शोर से वहाँ आवाज हो रही थी और शोर हो रहा था, इसीलिए मेहुल अपने घर में वापस आकर सो जाता है। जैसा कि आपको पिक्चर में स्क्रीन में दिखाई दे रहा है कि मेहुल सो रहा है। ये मेहुल कौन है? आपका सुपर हीरो डिटेक्टिव मेहुल। डिटेक्टिव मेहुल भी सीरी थॉमस के घर में बगल में ही रहता है। शोर शराबी की वजह से वो घर में आके सो रहा होता है। तो कहानी को और पहेली को आगे लेके चलते हैं। तो ऐसा है कि अगले दिन जब मेहुल सो के उठता है तो मेहुल को अगले दिन पता चलता है कि सीरी थॉमस की हत्या कर दी जाती है। वही सीरी थॉमस जो अपनी लॉज में जबरदस्त पार्टी कर रहे थे। दोस्तों, पहेली को समझने की कोशिश कीजिए। उसी व्यक्ति की हत्या हो जाती है जो वो अपने ही लॉज में खुद पार्टी देता है। और ये बात डिटेक्टिव मेहुल को पता लगती है तो डिटेक्टिव मेहुल ये केस अपने हाथ में लेता है, क्योंकि वो वहाँ का बहुत पॉपुलर डिटेक्टिव रहता है और ये केस वहाँ के लोग डिटेक्टिव मेहुल को देते हैं। जैसे आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा, डिटेक्टिव मेहुल उसको बात कर रहा है। ठीक, तो फिर चलते हैं आगे। तो जब डिटेक्टिव मेहुल मिस्टर थॉमस के घर जाता है और उन्हें फर्श पर मृत पड़ा हुआ दिखता है। सीरी थॉमस डिटेक्टिव मेहुल को मृत पड़ा हुआ दिखाई देता है। दीवार पर दबा दब खून दिखाई दे रहा है, जैसा कि आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर कि खून ही खून दिखाई दे रहा है। और सीरी थॉमस नीचे पड़ा है और उनका सामान उथल पुथल पड़ा हुआ है इधर उधर। तो फिर खाने को फिर चलते हैं अगले। तो घर में खूब गड़बड़ी हो गई थी, यानी कि गड़बड़ था, जैसे सामान उथल पुथल इधर उधर पड़ा हुआ था, जैसे कि आपको दिखा रहे हैं, पूरा दिखा दिया गया कुर्सी को। तो उनको इधर उधर छिट्टे पड़े, ऐसा लग रहा था जैसे कि थॉमस ने अपने हत्यारे के साथ लड़ाई की थी। यदि जायज बात है, उन्होंने अपने बचाव में सीरी थॉमस से झगड़ा किया। ठीक, फिर चलते हैं आगे। पहली बहुत जानदार होने वाली है दोस्तों। डिटेक्टिव मेहुल ने उसी रात, पिछली रात यानी कि जिस दिन पार्टी हो रही थी, पार्टी में रहने वाले सभी लोगों को वो बुलाता है। ठीक है, तो पहली तो आपको, मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको समझ में आ रही होगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत मजा आने वाला है इस पहली में। क्राइम के ऊपर है ये भी, किसी जबरदस्त कहानी से कम नहीं होने वाली। बस आपको समझने की देर है। और पहली को और मेरी बातों को और पिक्चर चलती हुई स्क्रीन पर चलती हुई पिक्चरों को और वहाँ पे सुरागों को देखते हुए आपको खाली पहली का जवाब देना आगे। तो पहली अभी पूरी हुई नहीं है दोस्तों। तो जैसे जब वो सबको वहाँ बुला लेता है तो उन सभी ने कहा, देखो दोस्तों मैं क्या कहना चाहूँगा, ध्यान से सुनना। वो लोग सब क्या कहते हैं, सबके अपने अपनी राय रहती। वो लोग कहते हैं कि सीरी थॉमस कल रात बहुत ज़्यादा ही पी लिए थे, यानी कि बहुत ज़्यादा दारू पी ली थी उन्होंने, और सभी के साथ वो लड़ाई करने लगे पीने के नशे की धुन में। वो सबसे लड़ाई कर रहे थे, इसलिए हर कोई उन्हें छोड़कर जा रहा था। पार्टी उन्होंने एकदम खराब कर दिया, सबको उन्हें छोड़ छोड़ कर जा रहा था। हमने उनकी हत्या नहीं की और हम भी साथ में चले गए, क्योंकि हमें थॉमस से झगड़ा नहीं करना था, क्योंकि उन्होंने ज़्यादा पी ली थी। ठीक, सब ने अपनी राय दे दी, वहाँ पार्टी में भी सारी घटना बताई। तो यही पता करना कि लेकिन इन तीनों में से एक झूठ बोल रहा है। देखना दोस्तों, मेरी बात सुनने को सर, इन तीनों में से एक झूठ बोल रहा है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि वो कौन है? मेरी बात सुनना एक बार और गाने की धुन में। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि वो कौन है और खून किसने किया है? तो मुझे उम्मीद है कि जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहे तीन व्यक्ति हैं, आप सोच रहे होंगे खून किसने किया। तो यही तो पहली का जवाब जानना है मुझे, कि आप कमेंट बॉक्स में इस पहली का जवाब दे सकते हैं या नहीं। तो
मुझे उम्मीद है कि इस पहेली का जवाब आप दे देंगे। तो मैं आपको बता दूं, जो पहला व्यक्ति उसकी टांग टूट गई है, बैसाखी के सारे वो खड़ा है, ठीक। दूसरे व्यक्ति का सिर भी फूटा हुआ है और सिर पर ताज़ा खून भी है, वो मोबाइल जिसके हाथ में, दूसरा व्यक्ति। तीसरा जो व्यक्ति है उसका हाथ टूटा हुआ है, जो कि उसने प्लास्टर चढ़वाए और सपोर्ट लगा रखी है। तो मुझे अच्छे से उम्मीद होनी चाहिए कि अब आपको पहले का जवाब देने में दिक्कत नहीं होगी। और यदि आपको हमारी पहली में कुछ दिक्कत है या नहीं समझ में आई, तो आप दोबारा से हमारी वीडियो को चालू करें, दोबारा से देखें। ये हमारी वीडियो आप परिवार के साथ भी बैठ के देख सकते हैं, इसमें ना आपको कोई गाली गलौज मिलेगी ना कोई बुरी चीज़ें, सब आपको अच्छा मिलेगा, सीखने वाली चीज़ें। तो दोस्तों, ठीक है दोस्तों, तो आगे चलते हैं। तो आपकी स्क्रीन पर तीन ऑप्शन दे चुका हूँ, जैसे कि एक दो तीन, जैसे आपको दिख रहा होगा तीन ऑप्शन दिख रहे हैं आपको। तो बस आपको कमेंट बॉक्स में अपना जवाब यही देना है कि आपको लगता है कि खून किसने किया है, एक नंबर ने किया है, दो नंबर ने किया है, तीन नंबर ने किया। तो आप अपना जवाब कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं गिनती के हिसाब से। तो इस पहले का जवाब देने के लिए आपको मात्र ज़्यादा नहीं, कमेंट में ज़्यादा नहीं गिनती लिखनी है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस पहले का जवाब देने के लिए मात्र 8 सेकंड बहुत ज़्यादा है, आपको 8 सेकंड दिया जाता है इस पहले को जवाब देने के लिए। तो पहले का जवाब देने के लिए जो समय है वो स्टार्ट होता है अब। दोस्तों फटाफट अपना जवाब देने का कमेंट बॉक्स में चालू करें। तो टाइम होता है स्टार्ट। तो हाँ दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपने अपना जवाब कमेंट बॉक्स में दे दिया होगा। क्यों? क्योंकि मेरे को जितने भी मेरी ऑडियंस है यूट्यूब की, वो मेरे चैनल को इसलिए सब्सक्राइब करती है कि वो अपने आप को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी समझती है, कि वो इस पहले का जवाब देना ज़्यादा समझती है कि मैं इस पहले का जवाब दे सकता हूँ, क्योंकि उनका IQ तेज है। तो मुझे उम्मीद है कि आपने इस पहले का जवाब दे दिया होगा। तो जो समय वो भी ख़त्म हो चुका है, तो आइए हम इस पहले का जवाब बता दें। इस पहली का जवाब क्या है? तो इस पहली का जवाब है 2 नंबर, ठीक है दोस्तों। कैसे? मुझे उम्मीद है तो मैं इस पे आपको पूरा विचार बताता हूँ। सी थॉमस की दीवार पर खून है, ध्यान से देखना। सी थॉमस पर दीवार पर खून है और उस दीवार पर और कोई कुछ भी नहीं है, यह हत्यारे का खून होना था। यानी कि थॉमस का कुछ खून नहीं निकला है, फिर भी उनकी मौत हो चुकी। तो सी थॉमस का खून नहीं निकला और वो हत्यारे का खून है। जब ब्लड टेस्ट के लिए स्कूल ले गए तो 2 नंबर वाले से उनका खून मैच खाता है, यानी कि मेल खाता है DNA में। तो इस पहले का जवाब 2 नंबर। मैंने कहा था ना दोस्तों, ये पहली आपको कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं लगी। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये पहली भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको पहली अच्छी लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और एक प्यारे से कमेंट देके जाएं। अब हम आपको मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, जो कि इससे भी जानदार होने वाली है, जो नेक्स्ट टाइम आएगी। फिर मिलते हैं दोस्तों, धन्यवाद।